विद्यार्थियों, आज हम आपको हुक्स लॉ और इलास्टिक स्ट्रिंग के बारे में बताएंगे। प्रत्यक्ष डोरी के लिए हुक का क्या नियम है? जब किसी प्रत्यक्ष डोरी को उसकी वास्तविक लंबाई के आगे बढ़ाया जाए तो उस स्थिति में डोरी का तनाव एक नियम द्वारा ज्ञात किया जाता है, जिसे हुक्स लॉ कहते हैं। इस नियम के अनुसार हुक्स लॉ की परिभाषा, द टेंशन इन एन इलास्टिक स्ट्रिंग इज प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्सटेंशन पर यूनिट लेंथ। किसी प्रत्यक्ष डोरी में तनाव उसकी लंबाई में प्रति इकाई विस्तार के समानुपाती होता है। यदि मानते हैं कोई डोरी है जिसकी लंबाई L है, उसको हम खींचते हैं और उसमें उस डोरी की लंबाई L प्लस X हो जाती है, यानी X थोड़ी उसकी लंबाई बढ़ जाती है। तो उसमें कितनी लंबाई बढ़ी उसकी X, तो जो उसमें टेंशन होगा T इज प्रोपोर्शनल टू X अपॉन L। X तो उसकी एक्सटेंडेड लेंथ है और L उसकी नेचुरल लेंथ है, तो T इज इक्वल टू लैम्डा X अपॉन L, जहाँ लैम्डा क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कांस्टेंट है उसका, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी प्रत्यक्ष मापांक। अब क्वेश्चन उठता है कि किसी मोशन ऑफ ए पार्ट ऑफ एन इलास्टिक स्ट्रिंग हुज वन एंड इज फिक्स्ड एट ए फिक्स्ड पॉइंट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल एंड टू द अदर एंड ए पार्टिकल ऑफ मास m इज अटैच्ड, the particle is pulled up to a distance and then released। कोई डोरी है, प्लास्टिक की डोरी है, उसको एक सिरे को तो हम फिक्स कर देते हैं, किसी चीज़ से बांध देते हैं और उसको खींचते हैं, उसके एक सिरे पर m मास बांध करके उसको खींचते हैं और फिर उसको छोड़ते हैं। तो उसमें जो मोशन हुआ उसका अध्ययन हम इस आर्टिकल में करेंगे। मान लीजिए कोई स्थिर बिंदु O है जिस पर रस्सी का सिरा बंधा हुआ है। मान लो रस्सी की स्वाभाविक लंबाई OA इज आपके पास, उसकी जो लंबाई है वो है वास्तविक लंबाई OA इज इक्वल टू A है। A जो इसका सिरा है पर कोई कण आपका बंधा हुआ जिसके 37 उसका मास m है और उसको हम b तक खींचते हैं, इस डोरी को यहाँ से यहाँ तक खींच देते हैं, यहाँ से o से लेकर के b तक उसको खींचा हमने, फिर इसको छोड़ दिया तो AB इज इक्वल टू b ले लिया। यदि किसी टाइम t पर कण जो है वापस p पर पहुँच जाता है, जहाँ AP ए से दूरी नापते हैं, AP इज इक्वल टू x, तो इस समय डोरी का जो तनाव में t है, डोरी में तनाव t है और उसमें जो विस्तार है वो x के बराबर है। तो हुक्स लॉ के अनुसार t इज इक्वल टू लैम्डा x अपॉन a, ये हुक्स लॉ से हो गया, जहाँ लैम्डा क्या है इसमें, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। t टेंशन है और टी टेंशन मतलब फोर्स है, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो उसका मास अपने पास m है, तो यहाँ टी का मान रखा तो ये हो गया m d2x / dt2। त्वरण जो है ये क्या होता है, त्वरण, तो एक का मान यहाँ d2x / dt2 इज इक्वल टू -t और टी का मान हम रख दिया लैम्डा x अपॉन a, तो ये हो गया d2x / dt2 इज इक्वल टू -λ a m × x। ठीक, तो ये इस यहाँ आ जाएगा, जो कि अगर लैम्डा अपॉन a m को हम म्यू मान लें तो ये आपके पास हो जाएगा d2x / dt2 इज इक्वल टू -μx, जो किसको रिप्रेजेंट करता है, ये एक सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करता है। तो आप देख रहे हैं कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है और सिंपल हार्मोनिक मोशन में आप ये जानते हो कि उसका जो टाइम पीरियड होता है t इज इक्वल टू π/√μ होता है। तो यहाँ आपके पास
म्यू का मान क्या है, लैम्डा अपॉन एम, तो टी जो आपके पास आया टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्डा बाई एम का रूट, तो 2 पाई तो ऊपर ही जाएगा, एम ऊपर चला जाएगा, एम बाई लैम्डा हो जाएगा, तो 2 पाई इंटू रूट एम बाई लैम्डा। ठीक है, समीकरण दो को दो कॉम्प ले सकते हैं, डी टू एक्स बाई डी टू क्या लिख दोगे, वी डी बाई डी एक्स, तो ये वी डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस लैम्डा अपॉन एम इंटू एक्स हो गए, डी एक्स से आपने उधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो वी डी बी इज इक्वल टू माइनस लैम्डा अपॉन एम इंटू एक्स डी एक्स। आप यदि आप इसको इंटीग्रेट करोगे दोनों साइड में, तो वी का तो वी स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, माइनस लैम्डा ए एम और एक्स का एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस सम कॉन्स्टेंट सी वन। तो आपने दो से कोएलसीएम ले लिया, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लैम्डा अपॉन ए एम एक्स स्क्वायर प्लस टू सी वन, टू सी वन हमने सी मान लिया। कर्ण जब एक्स पर था तो एक्स, कर्ण जब बी पर था तो बी बी पर होने के कारण एक्स का मान क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू बी लिया आपने, ए बी इज इक्वल टू बी है, तो एक्स इज इक्वल टू बी हो जाएगा। तो प्रारंभ में जब एक्स इज इक्वल टू बी तो वेलोसिटी यहाँ क्या हो जाती है, जीरो, यहाँ पर ले जाकर छोड़ते हैं ना, तो वहाँ कॉन्स्टेंट वहाँ स्थिर हो जाता है, वहाँ वेलोसिटी बी इज इक्वल टू जीरो। तो ये मान आप यहाँ से मान निकालोगे, एक्स बराबर बी और बी बराबर जीरो को, तो सी का मान आ जाएगा लैम्डा बी स्क्वेयर अपॉन ए, ये वैल्यू आप यहाँ रख दो सी का मान, तो वी स्क्वेयर इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन ए एम बी स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। जब कण ए पर पहुँचता है, जब कण आप ए पर आएगा तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और जब एक एक्स की वैल्यू जीरो होगी तो यहाँ इस समीकरण से, यहाँ से जब एक्स बराबर जीरो रखोगे यहाँ, तो क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल टू लैम्डा वी स्क्वेयर इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन ए एम बी स्क्वेयर, और वी का मान निकालोगे तो वी इज इक्वल टू लैम्डा ए एम का रूट और बी स्क्वेयर में तो बी बच जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा। तो वी को हम वी ए लिख देते हैं, तो इस समय ये आपके पास है, क्योंकि ए पर डोरी अपने स्वाभाविक लंबाई में आ जाती है, इसलिए ए पर टी इज इक्वल टू जीरो, जिसकी वजह से आपका जो त्वरण होगा डी टू एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो। परिणामतः बिंदु ए पर आते ही कण की सर्व आवर्त गति समाप्त हो जाती है, परंतु जो चूँकि ए पर कण का एओ की दिशा में वेग जो आपने निकाला है वो है वी ए इक्वल टू लैम्डा अपॉन एम का रूट इनटू बी है, तो इस वेग की वजह से ये कण जो है ओ से के दूसरी तरफ ए डैश तक जाएगा, जहाँ ओ ए डैश इज इक्वल टू ए। बिंदु ए डैश पर पहुँचते ही इस अचर वेग के कारण कण ए डैश के आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, ए डैश के आगे बढ़ते ही डोरी की स्वाभाविक लंबाई में वृद्धि होने लगेगी, इसकी गति का वही रूप होगा जो ए की दाएं तरफ बी तक था, अर्थात ए से ए डैश, ए डैश से बी डैश तक उसकी जो गति होगी वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। ए डैश बी डैश इज इक्वल टू बी, इसके उपरांत ये बी डैश से ए डैश और ए डैश से ए और ए से बी की तरफ पूर्व गति की ही पुनरावृत्ति होगी। इस प्रकार बी और बी डैश के मध्य कण का दोलन गति होती रहेगी, जिसका कुछ भाग बी से ए, ए डैश से बी डैश सरल आवर्त गति तथा कुछ भाग ए से ए डैश एक समान गति होगी। अतः बी से बी डैश तथा बी डैश से बी तक का संपूर्ण दोलन का जो टाइम पीरियड होगा टी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ट्वाइस बी से ए तक का समय प्लस ए से ए डैश तक का टाइम प्लस ए डैश से बी डैश तक का समय। तो ए से बी और ए डैश से बी डैश ये तो समान दूरी है, तो हम लिख सकते हैं ये बराबर हो जाएगा टू इंटू ट्वाइस ब्रैकेट शुरू
बी से ए तक का समय प्लस ए से ए डैश तक का समय। तो ये दो दोनों चार हो जाएंगे इज इक्वल टू फोर। बी से ए तक का जो टाइम है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन में है, तो ये आपका जो पाई बाई टू आप निकाल चुके हो ऊपर, पाई बाई टू ए एम बाई लैम्डा का रूट प्लस ए से ए डैश, ए से ए डैश का मतलब होगा ए से ओ तक का और ओ से ए डैश तक, यानी ट्वाइस ए से ओ तक का टाइम हो जाएगा। तो ट्वाइस इन टू ये जो ए से ए डैश की दूरी जो है आपके पास टू ए है, तो टाइम होगा आप जानते हो कि जो वेलोसिटी होती है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। तो डिस्टेंस आपके पास टू ए है, टाइम मान लिया आपने टी वन है, वेलोसिटी वी ए है, तो टी वन इज इक्वल टू टू ए अपॉन वी ए आ जाएगा। वी ए का मान अगर आप रखोगे तो इस और इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा टू पाई इंटू ए एम अपॉन लेमडा का रूट प्लस फोर ए एम अपॉन लेमडा इंटू बी। आपने वी ए का मान रख दिया इंटू वन अपॉन बी, तो इसको आप हल करोगे तो यह आ जाएगा इक्वल टू रूट ए एम अपॉन लेमडा, आपने कॉमन निकाल लिया, ए एम अपॉन लेमडा का रूट आपने कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बचेगा यहाँ से तो टू पाई बच जाएगा, वहाँ से प्लस फोर ए अपॉन बी बच जाएगा। स्पेशल केस में यदि बी इज इक्वल टू स्पेशल केस में यदि बी इज इक्वल टू ए हो तो संपूर्ण जो इसका ऑक्सीलेशन टाइम होगा दोलन काल होगा जब टू ए एम अपॉन लेमडा का रूट इंटू पाई प्लस टू। तो इस वीडियो में तो हम आपको इतना ही बताएंगे, नेक्स्ट अगले वीडियो में बता देंगे।